हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके और मैं हूं आपकी एजुकेटर कीर्ति। ठीक है, चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है 11 बजे क्लास होती है डेली करंट अफेयर्स की, और मैं यहां आपको सारी चीजें काफी अच्छे से समझा देती हूं। तो मुझे लगता है कि आपको इसके बाद करंट अफेयर्स का सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। हाई बैंकिंग टारगेट। चलिए तो देखिए, आज हम कवर करने वाले हैं 3 जून के करंट अफेयर्स। आपको पता ही है करंट अफेयर्स आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, इसके अलावा आप देखिए, आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब पे भी जुड़ सकते हैं। हाय एलोरा। ओके, आई होप मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। हाय नीलू, क्योंकि आज थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज आपको दिख रहा होगा, आज मुझे सेटअप थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है, तो आई होप आपको सब क्लियर होगा। ओके, स्टार्ट करें सेशन। हेलो अंकित, गुड मॉर्निंग। चलिए तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहला पॉइंट जो मैं कवर करती हूँ वो होता है इंपॉर्टेंट डेज, यानी कि महत्वपूर्ण दिन। हाय मिशेल, गुड मॉर्निंग। और आपके सामने जो पहला दिन है वो आपको याद रखना है, June 1st, यानी कि 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यानी कि अभिभावकों का वैश्विक दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, सब कर लीजिए। हेलो अनुपम, गुड मॉर्निंग। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, May 28th, एक पॉइंट रह गया था, वर्ल्ड डुकोंग डे। डुकोंग क्या होता है, सी काउ जो होता है ना, इसी को बोलते हैं डुकोंग। हेलो कविता, गुड मॉर्निंग। ओके, तो 28 मई और 1 जून दोनों दिन क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़े। हेलो आरुई, यस। ओके चलिए, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में पहली न्यूज देखिए, पहली न्यूज है चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला, यानी कि केरला के मुख्य सचिव अपॉइंट किए गए हैं विश्वास मेहता। क्या नाम है, विश्वास मेहता। ये कौन है, ये केरला के चीफ सेक्रेटरी यानी कि केरला के मुख्य सचिव हैं। गुड मॉर्निंग मोहित। ओके, देखिए केरला का स्टेट ट्री यानी कि राज वृक्ष क्या है, कोकोनट ट्री। आपको पता है कोकोनट की काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट यानी कि कटहल। स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि स्टेट एनिमल क्या है केरला का, केरला का राज पशु क्या है। हेलो उत्तम, राधे राधे। यस ठीक है, यस, केरला इंडियन एलिफेंट, बिल्कुल करेक्ट है आरवी। इंडियन एलिफेंट यानी कि जो इंडियन हाथी है वो केरला का राष्ट्रीय पशु है। तो यहां मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन केरला के बारे में दे दी है, वो भी याद। यस, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला विश्वास मेहता, बिल्कुल करेक्ट है कविता। ओके चलिए, अब देखिए ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ कुछ पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो परेशान मत होइएगा। देखिए एमएसएमई का मतलब क्या है, एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस। अब क्या हुआ है, देखिए हुआ ये है कि आपको याद होगा मैंने आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान जो योजना है उसके बारे में बताया था, उसमें 3 लाख करोड़ रुपए कोलेट्रल फ्री लोन देने की बात की गई थी एमएसएमई को। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट रिवाइज कर लीजिए, 3 लाख करोड़ रुपए कोलेट्रल फ्री यानी कि सिक्योरिटी फ्री लोन देने की बात की गई है एमएसएमई को। अब क्या हुआ है, इन लोन को देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी को कौन हेड करेगा, इस कमेटी को हेड करेंगे राजनाथ सिंह। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एमएसएमई लोन इंप्लीमेंटेशन यानी कि एमएसएमई को लोन देने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के हेड हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। ठीक है,
और ये कमिटी बनाई किसने है, ये कमिटी बनाई है प्रधानमंत्री मोदी ने। अब देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट रिवाइज करवाना चाहूंगी। क्या है वो पॉइंट? इस कैटेगरी में जिनको भी लोन मिलेगा वो कंपनी पे कम से कम 25 करोड़ का उधार ऑलरेडी होना चाहिए और उनका जो टर्नओवर है यानी कि उनका जो बिजनेस है वो कम से कम 100 करोड़ का होना चाहिए। ये इलिजिबिलिटी है आत्मनिर्भर योजना के अंडर अगर आपको एमएसएमई कैटेगरी के अंडर लोन चाहिए। हाय माई, गुड मॉर्निंग। अब एक पॉइंट और रिवाइज कर लीजिए। आपको पता है अभी थोड़े टाइम पहले जब न्यूज आई थी जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने एमएसएमई की परिभाषा बदली है। परिभाषा बदलने का मतलब क्या है? परिभाषा बदलने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की जो कैटेगरी है उसको बदल दी गई है। हाय विकास, गुड मॉर्निंग। तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं यानी कि जो सूक्ष्म हैं उनकी इन्वेस्टमेंट अब 1 करोड़ होनी चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए। दूसरी जो स्मॉल यानी कि जो स्मॉल की हिंदी लघु, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ होनी चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए। और मीडियम यानी कि मध्यम की इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़ होना चाहिए। इसे याद कर लीजिए, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी एमएसएमई में जो चेंज किया गया है उसका पॉइंट उतना कितना रह गया है, कितना इन्वेस्टमेंट कितना टर्नओवर, ठीक ठीक है। हेलो विशाल, नमस्ते। ठीक है, एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। और एमएसएमई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? प्रताप चंद्र सारंगी। हाय चंदा, क्लियर है क्या? मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया आप लोगों को? ये सारी पुरानी न्यूज है जो मैंने आपको रिवाइज करवाई है और ये नई न्यूज है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। हेलो धारा, चलिए नेक्स्ट देखिए। लक्ष्मी विलास बैंक के अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक के जो अभी प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यस, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुब्रमण्यम सुंदर। क्या नाम है? सुब्रमण्यम सुंदर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ यानी कि एमडी और सीईओ कौन है, तो आपका आंसर होगा सुब्रमण्यम सुंदर। हेलो माही, हेलो आर्यन। ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय चेन्नई में है और इनकी टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि का बदलता चेहरा। तो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपके पास, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, तो मैंने अपॉइंटमेंट में आपको 3 न्यूज बताई है, तीनों याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेकंड और थर्ड वाली, ठीक। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है बैंकिंग एंड बिजनेस की। बैंकिंग एंड बिजनेस में अब देखिए क्या हुआ है। मूडी ने वापस से अपनी कुछ रिपोर्ट दी है और ये रिपोर्ट मूडी ने क्या दी है, तो मूडीज के हिसाब से भारत की जो इकोनॉमी है वो 21 के लिए 4% कम होने वाली है। ओके, आई गेस सही हो गया। ओके, ओके, चलिए चलिए ठीक है। तो मैं आपको मूडीज के बारे में बता रही थी। तो मूडीज ने क्या बोला है, देखिए मूडीज ने भारत की जीडीपी 21 के लिए तो कम कर दी है, ठीक है, 21 के लिए तो उन्होंने बोला कि भारत की जीडीपी 4% से गिरने वाली है। लेकिन इन्होंने 22 के लिए बोला है कि भारत की जीडीपी 8.7 से बढ़ने वाली है। मोहित, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यूट्यूब की दिक्कत आ गई थी।
ठीक है। तो देखिए इन्होंने बोला है कि 22 में भारत की जीडीपी 8.7 से बढ़ने वाली है, तो आप देखिए कहां बोल रहे हैं कि 4% से कम, वही बोल रहे हैं 8.7%, यानी कि ऑलमोस्ट 12.7% अगर भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अगेन बफरिंग तो नहीं हो रही है, जिसको बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है फटाफट एक बार अपना पेज रिफ्रेश कर लीजिए, अब बफरिंग मेरे साइड से नहीं हो रही। ठीक है, यस yes, मैंने आप लोगों को कल ग्रुप पे अपडेट किया था, आपको पता ही होगा निसर्ग जो साइक्लोन है वो मुंबई को और गुजरात और उसके आसपास के एरिया को अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, अगर आपने मेरा साइक्लोन वाला लेसन नहीं देखा हो तो मैंने आपको बताया था, अब जो अगला साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा निसर्ग, और मैंने आपको पूरी लिस्ट दे रखी थी कि क्या क्या नाम पड़ने वाला है। तो निसर्ग साइक्लोन स्पेशली अलीबाग वाला जो एरिया है मुंबई में महाराष्ट्र में उसको अफेक्ट करने वाला है। यस, काफी मतलब अम्फान जैसा तो तेज नहीं है बट फिर भी काफी तेज साइक्लोन है। ठीक है, तो जो भी महाराष्ट्र गुजरात यहां सब है ध्यान रखिए। ओके, चलिए न्यूज की तरफ वापस आते हैं। मूडीज ने एक पॉइंट और बोला, सॉवरेन रेटिंग का मतलब क्या है? देखिए भारत जो है वो अलग अलग टाइप की करेंसीज भी इशू करता है और वो अपने देश में भी कई सारी मुद्राओं का क्या करता है, इशू करता है, कोई भी बॉन्ड या इन सारी चीजों को, तो इसकी रेटिंग भी मूडीज ने कम करके Ba2 से Ba3 कर दिया है। ठीक है, 2017 में इन्होंने इस रेटिंग को स्टेबल से B1 Ba2 किया था, अब इन्होंने इसको Ba3 कर दिया है। इतना आपको टेक्निकल में नहीं जाना है, सिंपल सा समझ लीजिए क्या हुआ है, इन्होंने भारत की जो बॉन्ड या इस टाइप की चीजों को इशू करने की रेटिंग है उसको गिरा दी है। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये वाला आने वाला है। ठीक है, आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके अलावा मूडीज का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और प्रेसिडेंट है रेमंड मैकडेनियल। ओके, अर्जुन इतने देर से क्यों सॉरी बोल रहे आरुई आपको, एमओयू एंड एग्रीमेंट। चलिए एमओयू एंड एग्रीमेंट में पहली कंपनी देखिए BEML, यानी कि कौन सी है, BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है मेलको। मेलको कौन सी है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, हेलो रवीना गुड मॉर्निंग। तो देखिए BEML ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है ना उसके अंडर आता है। ठीक है, और जो MELCO मैंने आपको फुल फॉर्म बता ही दिया। ओके, टू स्टडी एंड प्लान फॉर इनिशिएटिव अ जॉइंट वेंचर कंपनी अंडर मेक इन इंडिया। अब मैं आपको सिंपल सा पॉइंट समझा देती हूँ, ये पॉइंट क्या है। देखिए BEML भारत की कंपनी है और मेलको जो है ये जापान की कंपनी है। आरवी क्या हो गया? ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है और BEML भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाह रही है मेलको के साथ, लेकिन मेक इन इंडिया के अंडर। ठीक है, मेक इन इंडिया यानी कि भारत के अंडर ही सारे काम होंगे। ठीक है, ओके, अब BEML का फुल फॉर्म क्या है, BEML का फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और इसके चेयरमैन है दीपक होता। वही Mitsubishi ये इलेक्ट्रिक कंपनी ये कहां की है, टोक्यो की। आरुही परेशान मत होइए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, तो देखिए BEML और मेलको इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ है, क्लियर। तो आपसे इन्हीं में से कोई एक कंपनी पूछ ली जाएगी, आपको यह ध्यान रखना है। मेलको का फुल फॉर्म है Mitsubishi इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट कंपनी कौन सी है, नेक्स्ट कंपनी है वाक्रागी लिमिटेड।
ठीक है, वाकरांगी लिमिटेड, ये मुंबई बेस्ड कंपनी है और इन्होंने LIC के साथ एग्रीमेंट किया है। ठीक है, वाकरांगी लिमिटेड और LIC इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है। अर्जुन थोड़ा सा अभी काफी सारे स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी क्लास पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, वाकरांगी लिमिटेड और LIC ने आपस में एग्रीमेंट किया है। ठीक है, एग्रीमेंट क्यों किया है? एग्रीमेंट इसलिए किया है कि LIC के जो भी माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट हैं, यानी कि LIC के जो छोटे प्रोडक्ट हैं, जो माइक्रो प्रोडक्ट हैं, उनको वाकरांगी के द्वारा उन सारे एरिया या उन सारे लोगों को बेचा जाएगा जो अभी इससे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। ठीक, तो आपको सिर्फ पार्टी याद रखनी है, वाकरांगी लिमिटेड और LIC। क्लियर? ठीक है, तो वाकरांगी लिमिटेड फाउंडर और CEO दिनेश नंदवाना, वहीं LIC जो है, LIC के चेयरमैन है MR कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई में। MR कुमार का अपॉइंटमेंट जनवरी मंथ में हुआ है, तो एक बार इसे याद रखिएगा। क्लियर है? तो पार्टी है वाकरांगी लिमिटेड और LIC, ये दो आपको याद रखने हैं। चलिए ये ओके, नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज में देखिए, सिंपल सी न्यूज है, हुआ क्या है, नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार ने क्या बोला है कि भारत को अगर 50 से 60 बिलियन वर्थ ऑफ कार्बन क्रेडिट, अब कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है? हेलो रश्मि, कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि भारत को एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि एक टन के आसपास उनको कार्बन इमिशन, यानी कि कार्बन निकालने की क्षमता मिलनी चाहिए। गुड मॉर्निंग चंदा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कार्बन इमिशन होगा तो क्या होगा, ओजोन लेवल है उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमारे देश के नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि भारत को नेचुरल फार्मिंग और एग्रो इकोलॉजी, यानी कि बेसिकली भारत को नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर वो ऐसा करेगा तो हमारा एनवायरमेंट सही होगा और तभी हम कार्बन क्रेडिट पा पाएंगे। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एस्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली और CEO है अमिताभ कंत। जरा मुझे ये बताइए कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के चेयरमैन मुझे फटाफट बता दीजिए। ठीक है, ओके, तो न्यूज आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपके लिए कोई डिटेल नहीं है, आपको बस सिंपल सा समझना है। एक बात मुझे और बताइए कि दुनिया का पहला ऐसा स्टेट जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, ठीक है, आपको मुझे ये बताना है दुनिया का पहला स्टेट ऐसा कौन सा है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, यानी कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है। चेयरमैन बिल्कुल करेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है इस वक्त। और इसका आंसर क्या है, आर वी करेक्ट है, यस। देखिए, सिक्किम जो है वो हमारे देश में पहला और दुनिया में भी पहला स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पूरा नेचुरल फार्मिंग होती है, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जाते। ठीक, चलिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिनेम्ड एस, तो देखिए एक इंस्टीट्यूट है CIPET, इनका नाम बदल के CIPET ही किया गया है, बट एक चेंज के साथ। ये चेंज क्या है, चेंज में प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल कर दिया है, ये इनका नाम चेंज हुआ है, आपको इनका चेंज नाम याद रखना है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल हो गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, ये ऑर्गेनाइजेशन चेन्नई तमिलनाडु में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं SK नायक। डन,
क्लियर। तो चेंज क्या है वो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल्स। अगर आपसे पूछा जाए क्या नाम बदला गया तो याद रखिएगा। चलिए अब देखिए क्या हुआ है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। आपको पता है आत्मनिर्भर योजना के अंडर ये भी किया गया था कि क्या बोला गया कि जो राशन कार्ड है ना, सपोज मेरा राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में आया है, ठीक है, मेरा राशन कार्ड कहाँ का बना है, उत्तर प्रदेश का, बट इस वक्त मैं कहाँ हूँ, इस वक्त मैं हूँ कर्नाटका में, तो मैं अपने राशन कार्ड पर कर्नाटका में भी क्या कर सकती हूँ, अनाज ले सकती हूँ। यस, तो अभी क्या हुआ है, तीन नए स्टेट को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर ऐड किया गया है। यस, और ये तीन नए स्टेट कौन से हैं, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर तीन स्टेट ऐड किए गए हैं, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। इसकी अनाउंसमेंट, इसके बारे में किसने इन्फॉर्म किया, इसके बारे में किया है कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिसी नहीं होगा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर रामविलास पासवान ने। यस, टोटल 23 हो गए हैं। यस, ठीक है, हाँ क्लियर। ये तीन नए स्टेट ऐड किए गए हैं, उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, डन। चलिए नेक्स्ट है स्कीम एंड एप्स। स्कीम एंड ऐप में देखिए हुआ क्या है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके चलिए अब देखिए क्या हुआ, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी, उन्होंने मन की बात में एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट के बारे में बात किया, यानी कि एक प्रतियोगिता के बारे में बात की। क्या नाम है इसका, माई लाइफ माई योगा, ठीक है। यस, काफी सारे करेक्ट आंसर है, एक दो इनकरेक्ट है, बट कोई बात नहीं। देखिए योगा डे 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। यस, 21 जून, इस बार का लेह में होना है बिल्कुल, बट मुझे नहीं लगता कि इस बार कहीं होगा कोविड के कारण, ठीक। तो देखिए माई लाइफ माई योगा नाम का एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया गया है, एक प्रतियोगिता स्टार्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा, ठीक है, आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा इसे किया गया है। थैंक यू अम्माई, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए इसमें 2-3 मिनट की वीडियो बनानी है, उसमें 4 टाइप के 5 टाइप के योगा की बात की गई है, उन योगा की वीडियो आप बनाएंगे, आप ये बताएंगे कि योगा ने आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है, और उस वीडियो को आप पोस्ट कर देंगे। अगर आप जीत गए तो पहला जो विनर होगा उसे 1,00,000 रुपए, दूसरे को 50,000 रुपए और तीसरे को 25,000 रुपए इनाम मिलेंगे, ठीक, क्लियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्टर कौन है, श्रीपद येसो नायक, ICCR हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में, और प्रेसिडेंट है विनय सहस्रबुद्धे। मेरी पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहां जो आपके लिए याद करने वाली बात है, किसने इसकी अनाउंसमेंट की और कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैंने आपको प्राइज मनी भी बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए, नेक्स्ट न्यूज क्या हुआ है। आपको पता है इस वक्त हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, एक पोर्टल बनाया गया है। यह है पोर्टल का नाम www.ai.gov.in। इसमें क्या होगा, हमारे देश में एआई पर जो भी काम चल रहा है, कौन कौन सी स्टार्टअप काम कर रही है, उन्हें कहां से फंडिंग मिल सकती है, ये सारी जानकारी दी गई है। इसी के साथ एक और चीज है और वो है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, यानी कि स्कूल में बच्चों को, जो गवर्नमेंट स्कूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केवी है, वहां स्टूडेंट्स को एआई पढ़ाया जाएगा। ये मेरे ख्याल से काफी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर हमने बचपन से ही एआई पढ़ा होगा तो हमारी आने वाली जनरेशन काफी अच्छे से काम कर पाएगी। तो देखिए इंडिया नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल यानी कि भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ,
इसका शुभारंभ किसने किया है? रविशंकर प्रसाद। यस, रविशंकर प्रसाद के पास काफी सारी मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, रविशंकर प्रसाद ने। क्लियर? ओके, बढ़े आगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, कर्नाटक, अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टेट रजिस्टर, स्टेट हेल्थ रजिस्टर इशू किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य था कर्नाटका। अब क्या हुआ है, कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको पता है कर्नाटका जो है ये हमारे देश का आईटी हब है, यानी कि आईटी से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां मैक्सिमम है वो आपको बैंगलोर में स्पेशली मिल जाएंगी। अब अगर देश में टेक्नोलॉजी का काम आगे बढ़ाना है तो बैंगलोर को तो खुलना पड़ेगा और यहाँ काम अच्छे से होना पड़ेगा। इसी चीज को ध्यान देते हुए COVID-19 के लिए कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड बनाया जा रहा है, कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड फॉर COVID-19। अब इसको कौन बना रहा है? नेस्कॉम। आपने नेस्कॉम का नाम सुना होगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर और सेवाओं के लिए जो राष्ट्रीय संघ है ना, वही इसको बना रहा है। इसका मुख्यालय नोएडा में है, इसके चेयरमैन यूबी प्रवीण राव और इसके अध्यक्ष देवजानी घोष। उत्तर में यूपी आ जाओ, अभी तो मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कर्नाटका लिसनिंग डैशबोर्ड को कौन बना रहा है, इसको बना रहा है नेस्कॉम। क्लियर? बाकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आपसे एग्जाम में नेस्कॉम का मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है, चेयरमैन स्पेशली याद रखिएगा यूबी प्रवीण राव, क्योंकि अभी इनका थोड़े टाइम पहले ही अपॉइंटमेंट हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है डिफेंस एंड साइंस। डिफेंस एंड साइंस में पहली न्यूज देखिए। अब देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है कभी भी किसी न्यूज के आगे फर्स्ट ऐड हो जाए तो वो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट ऐप स्विस कोविड विद एक्सपोजर नोटिफिकेशन एपीआई। सबसे पहले एपीआई का फुल फॉर्म देख लीजिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस? चंदा, मैं बैंगलोर में ही रहती हूँ। ओके गाइस, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। हेलो संजीव, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए न्यूज क्या है। आपको पता है हमारे देश में जो आरोग्य सेतु है वो भी इसी टाइप का काम करता है, लेकिन आरोग्य सेतु पर जो एक न्यूज बहुत उठ रही थी वो ये थी कि लोगों की प्राइवेसी जा रही है। बट ये जो स्विस कोविड है ना, ये क्या होगा, ये अपने आप एक यूजर आईडी जारी कर देगा जो हर 15-20 मिनट में क्या होगी, बदलती रहेगी। इसका काम वही है कि अगर आप किसी भी ऐसे पेशेंट जो COVID-19 से इन्फेक्टेड है उसके रिलेटेड आएंगे, उसके आसपास आएंगे, तो ये आपको नोटिस दे देगा और ये इसकी नोटिस हेल्थ मिनिस्ट्री तक भी पहुंचाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको वर्ल्ड लेवल यानी कि दुनिया में बहुत सारे देशों में ये काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं अयोध्या जल्दी आऊंगी। ओके, ठीक है, चलिए। तो ध्यान रखिएगा, स्विस फेडरेशन के द्वारा एक ऐप जारी की गई है, एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है स्विस कोविड, और ये अपने टाइप की दुनिया की पहली ऐप है। स्विट्जरलैंड, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, कैपिटल यानी कि राजधानी है बर्न, करेंसी चलती है यहाँ फ्रैंक। अच्छा, मुझे ये बताइए, कुछ टाइम पहले फ्रैंक करेंसी पर जिंदा यानी लिविंग पहले प्लेयर कौन थे जिनकी जो फोटो थी, जिनकी जो क्रिएशन या फिर उनकी फोटो उस सिक्के पर मिंटिंग की गई थी? बिल्कुल, राम मंदिर का ये काम शुरू हो चुका है। ठीक है, ये फ्रांस नहीं होगा, ये गूगल कुछ भी करता है, ये फ्रैंक होगा। ठीक, चलिए अब देखिए, यहां आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसक्राफ्ट का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, इस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है, अंतरिक्ष यान का नाम है ड्रैगन। अब आपने न्यूज में देखा होगा, आशीष, यस करेक्ट है।
ठीक है, यस। आपको पता है स्विट्जरलैंड के लेजेंड प्लेयर, मेरे फेवरेट टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर, इनकी जो इमेज थी उसको उस कॉइन पे मिंटिंग की गई थी। 20 फ्रैंक का वो कॉइन था और रोजर फेडरर वो प्लेयर थे, ठीक। चलिए अब देखिए न्यूज क्या है। नासा और स्पेस एक्स नासा और स्पेस एक्स ने क्या किया है, बेसिकली इनका एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है ड्रैगन, ठीक है। ये पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है टू डॉक विद आईएसएस। अब जरा मुझे कोई आईएसएस का फुल फॉर्म बता दीजिए। यस तेजस्वी, इस बार रॉजर फेडरर फोर्ब्स में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले प्लेयर भी थे। यस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जरा मुझे ये बता दिए आईएसएस का फुल फॉर्म क्या है। फेडरर देखिए अभी तो हारते रहते हैं, ठीक है। अभी तो क्योंकि फेडरर की एज 38 हो गई है, तो उनकी एज ऐसी हो गई है कि अब वो थोड़ा हारते हैं। एक टाइम पर वो बिल्कुल नहीं हारते थे, बट हाँ नडाल से वो अक्सर हार जाते थे, ठीक है। तो आईएसएस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बिल्कुल करेक्ट है आशीष, कविता, आप दोनों का। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली प्राइवेट कंपनी यानी कि पहली निजी कंपनी जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट उतारा है और ये बन गई है स्पेस एक्स, इनकी स्पेस का नाम क्या है, इनके क्राफ्ट का नाम है ड्रैगन। तो आपसे एग्जाम में ये ड्रैगन ही पूछा जाएगा। यस रोशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा ड्रैगन का जो कैप्सूल है ना, आपने कभी अगर देखा हो तो जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं ना वो एक कैप्सूल में रह रहे होते हैं, उस कैप्सूल को क्या नाम दिया गया है, एंडेवियर, ठीक। स्पेस एक्स फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू फ्लाई एस्ट्रोनॉट इन ऑर्बिट। स्पेस एक्स पहली ऐसी कंपनी है, निजी कंपनी है जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को जो ऑर्बिट है, कक्षा है, उसमें उड़ाने वाली पहली कंपनी। ये स्थापित हुई थी 2002 में। आप सब ने इसके फाउंडर सीईओ का नाम सुन रखा होगा, एलन मस्क, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। क्लियर है न्यूज, ठीक है। स्पेसएक्स, नासा, ड्रैगन, एंडेवियर, बाकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। चलिए अब देखिए यहां से आपसे क्या न्यूज पूछी जाने वाली है। यहां से आपसे ये न्यूज पूछी जाएगी कि इसे कहां ढूंढा गया है। तो देखिए हुआ क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है, मन्नार की जो खाड़ी है वहां एक दुर्लभ टाइप की फिश ढूंढी गई है जिसको बोला गया है स्कॉर्पियन फिश। अब इसको स्कॉर्पियन फिश क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो फिश है ना, इसकी जो स्पाइन है, ठीक है, जो इसकी रीढ़ है ना, उसमें जहर यानी कि टॉक्सिक पाया गया है, तो इसीलिए इसको स्कॉर्पियन फिश बोला गया है। इसे ढूंढा किसने है, इसको ढूंढा है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने इसे ढूंढा है। और इसकी स्पाइन में नेरोटॉक्सिक वेनम जो कि स्कॉर्पियन में पाया जाता है। यस हेलो राधे, क्लियर। इसका हेडक्वार्टर कोची में है, किसका, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और डायरेक्टर है ए गोपाल कृष्णन। हाँ, वहां जो मिली थी, वहां मिली थी छोटे पानी की, बेसिकली फ्रेश वाटर की फिशेस जो काफी छोटी थी, ठीक है। यहां जो फिश मिली है उस फिश के स्पाइन में जहर है, टॉक्सिन है, उस टाइप का टॉक्सिन जो कि स्कॉर्पियन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए और मैंने ये आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी दे दी है, ये भी पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखिए ये आपको यहां मैंने फोटो लगा दी जिससे कि आपको ये याद रहे। ये फोटो क्या है, देखिए फोटो ये है कि लाइकली टू बी दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन लैंड एनिमल। अब ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात भूमि पशु है। 450 मिलियन आई गेस ओल्ड इसे बताया जा रहा है, और ये इस टाइप का दिखता है। इसका नाम है कैंपेकारसी ओबनेसिस कैंपेकारसी ओबनेसिस,
ठीक है, ये इसका नाम है और ऐसा बोला जा रहा है कि अब तक के सबसे जो जिनको नून मतलब कि जो हमें पता है उनमें से ये दुनिया का सबसे पुराना लैंड एनिमल है। तो आपके लिए ये कैंपेकैरस नाम इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये ओल्डेस्ट माना जा रहा है। ठीक, उत्तम 1 PM का टॉपिक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं आज आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट समझाने वाली हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी कि जो डॉलर और इंडियन करेंसी निकाली जाती है ना, हम बोलते हैं कि डॉलर की जो प्राइस है और इंडियन करेंसी की जो है वो कैसे डिसाइड होती है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, अभी ये जो अभी ढूंढा गया है ये स्कॉटलैंड में ढूंढा गया है। ठीक है, ये स्कॉटलैंड में पाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये रिपोर्ट भारत के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है। ये रिपोर्ट क्या है, आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो परेशान मत होइएगा। कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। आपको पता होगा कि स्टार्टअप यानी कि जो नई कंपनीज आ रही है ना, उन नई कंपनीज में भारत का जो एनवायरमेंट है, भारत का जो इकोसिस्टम है, वो स्टार्टअप को कितना सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मिशेल स्कॉटलैंड के ही रिसर्चर्स हैं, आपको उतना डीप में नहीं जाना है। ठीक है, अब देखिए इस रिपोर्ट को किस कंपनी ने पब्लिश किया। पहला पॉइंट किसने पब्लिश किया, स्टार्टअप ब्लिंक ने। तो पहला पॉइंट आपसे यही पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, स्टार्टअप ब्लिंक। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें पहली पॉइंट सबसे टॉप पर कौन सा देश है, सबसे टॉप पर है अमेरिका, सेकंड पर है यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पर है इजराइल। अब क्या हुआ है, भारत नीचे आ गया है, यानी कि भारत में ये पोजीशन खराब हो गई है। पिछले साल भारत 17 पे था, इस बार भारत 23 पे आ गया है। रोशन देखिए, पता नहीं अभी ये सारी चीजें तो मैं आपको कैसे बताऊं। ठीक है, तो भारत जो है, इंडिया जो है वो 23rd पर इस पोजीशन में है पिछले साल 17 में, यानी कि भारत में स्टार्टअप कंपनीज की जो कंडीशन है, उनके लिए जो इकोसिस्टम है वो अच्छा नहीं है। और इसमें सबसे हैरानी वाली बात क्या है, उत्तम बस क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है हम एंड पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए इसमें जो सिटीज है ना टॉप 100 में, यानी कि दुनिया के 100 शहरों में भारत के सिर्फ 4 शहर हैं, उसमें भी बैंगलोर नीचे हो गया है। ठीक है, बैंगलोर पिछले साल 11 नंबर पे था, इस बार बैंगलोर 14 पे आ गया है। बट हाँ, दिल्ली इंप्रूव हुआ है, मुंबई इंप्रूव हुआ है, हैदराबाद 21 रैंक नीचे आ गया है। ठीक है, तो दिल्ली 15 पर है, मुंबई 22 पर है, हैदराबाद 96 पे। अब देखिए आपसे यहाँ क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले किसने इशू किया, स्टार्टअप ब्लिंक ने। टॉप पर कौन है, यूएसए। भारत की पोजीशन 23 और भारत से टॉप पर कौन सा शहर है, बैंगलोर। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, किसने किया, पहला भारत, बैंगलोर। ठीक, पर ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ रवीना, क्लास बस खत्म होने वाली है और हम पहुंच गए हैं ओबिचरी अपने लास्ट सेक्शन पे। बॉबी मोरो, कल ये वाला पेज गायब हो गया था इसलिए मैं आपको बॉबी मोरो नहीं बता पाई थी। बॉबी मोरो ये अमेरिकन स्प्रिंटर यानी कि अमेरिकन रनर हैं और इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक, नेक्स्ट है जयंती लाल ननोमा। जयंती लाल, ठीक है, जयंती लाल ननोमा ये पूर्व आर्चर, आर्चरी जो तीरंदाज होते हैं उसके पूर्व इंटरनेशनल प्लेयर भी थे और ये कोच भी थे। और ये काफी बुरी खबर है, ये राजस्थान आर्चरी टीम के कोच थे और इनका रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई है। यस, ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। हाँ, ये राजस्थान की आर्चरी टीम के कोच थे, ये रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई, काफी कम एज थी। और लास्ट है पी नामग्याल, ये फॉर्मर कांग्रेस यूनियन मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर थे, यानी कि जम्मू कश्मीर से ये पूर्व कांग्रेस केंद्रीय मंत्री थे, यानी कि ये पॉलिटिशियन थे। ठीक है, ये राजनेता थे, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये पहला वाला स्पोर्ट्स, दूसरा वाला भी स्पोर्ट्स और तीसरा वाला पॉलिटिशियन। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलिए
चलिए फटाफट 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्लास को यही खत्म करते हैं। इंडियन ऑब्जर्वेटरी यानी कि भारत वेधशाला ने वन परिस्थितिक सुरक्षा यानी कि फॉरेस्ट इकोलॉजी सिक्योरिटी के साथ मिलकर एक डैशबोर्ड बनाया है जो वॉलंटियर्स को हेल्प करेगा आगे के स्टेप लेने के लिए। इस डैशबोर्ड का नाम क्या है? कोविड इंडिया, कोस्ट इंडिया, फॉरेस्ट इंडिया, केयर इंडिया। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था इंडिया ऑब्जर्वेटरी याद रखिएगा, और काफी सारे आंसर डी आ रहे हैं बट इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर है कोस्ट इंडिया। नहीं, किसी का भी करेक्ट नहीं है, ऐसे कैसे हो गया? कोस्ट इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। यस मिशेल करेक्ट है, रश्मि करेक्ट है, यस कोस्ट इंडिया है इसका आंसर। केयर इंडिया कब पड़ा? यहां मैंने भी गलत कर दिया, बी कर लीजिएगा। चलिए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? कोई बात नहीं रवीना, आप जाइए लंच कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, संदीप मुकुंद प्रधान, निकेश अरोड़ा, विक्रम किर्लोस्कर और राजीव कुमार। आरुही नहीं, आ तेजस्वी नहीं, पिटाई होने वाली है सबकी। संदीप मुकुंद प्रधान ये साई के प्रेसिडेंट हैं, CII के हैं विक्रम किर्लोस्कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पिटाई होगी, सब भूल गए आप लोग। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर मिसाइल पार्क नेम्ड अग्निप्रस्थ इन विशाखापट्टनम। देखिए, मैंने आपको ये पॉइंट नहीं बताया है इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में ऐड किया है कि विशाखापट्टनम में अग्निप्रस्थ नाम का मिसाइल पार्क की नींव किसने रखी। जरा मुझे ये बताइए किस INS पे इसकी नींव रखी गई है। जरा मुझे ये बताइए कि किस INS पे इसकी नींव रखी गई है। ठीक है, देखिए मैंने क्योंकि ये नहीं बताया इसलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एलोरा यस वो करेक्ट है बट इसकी नींव रखी है राजेश देवनाथ ने। राजेश देवनाथ ये क्या है? ये कमांडर इन चीफ है बेसिकली विशाखापट्टनम जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां का, तो राजेश देवनाथ ने रखा है इसे। ठीक, करमवीर नहीं है और ये है INS कलिंगा। क्लियर? यस। चलिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा। आपको पता है MNRE ने बात किया है, क्या किया है MNRE ने बात, कि 140 देश जो वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के हैं वो सोलर रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए ग्रिड बनाएंगे। ठीक है, अब मुझे इस ग्रिड का नाम बता दीजिए। बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा क्योंकि मैंने ऑप्शन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रखा है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हर जगह क्या है? हर जगह है वन। ठीक है, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यस, और आज का आखिरी सवाल बहुत सिंपल था, कल मैंने क्विज में पूछा भी था। व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीपर्पज डिकंटेमिनेशन डिवाइस डेवलप्ड बाय देवादितेक दैट कैन सैनिटाइज आइटम। देवादितेक ये कहाँ की स्टार्टअप है, जरा मुझे ये भी बता दीजिए, ये कहाँ की बेस्ड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ल्यूमोस। यस, बिल्कुल करेक्ट है, ल्यूमोस करेक्ट है। और ये कहाँ की है? ये केरला की है। ठीक, यस, बिल्कुल करेक्ट है आप सबका आंसर। चलिए, फिर इस सेशन को मैं यही खत्म कर देती हूँ। आज सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, चलिए तो सेशन को यही खत्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया, तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा, और जो भी पहली बार मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलेगा।
इसके अलावा जो 1 बजे की क्लास है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि डॉलर और रुपी की जो प्राइस फिक्स की जाती है वो कैसे की जाती है। तो यहाँ आपको काफी कुछ समझने के लिए मिलने वाला है, तो 1 बजे के सेशन को मिस मत करिएगा। 1 बजे मिलते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।